ईरान के दक्षिण पश्चिमी शहर अहवाज में सैनिक परेड के दौरान अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में 29 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हमले में 54 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार यह हमला वार्षिक कार्यक्रम को देखने के लिए इकट्ठा हुए अधिकारियों को निशाना बनाकर किया गया। बंदूकधारियों ने सैनिकों की वर्दी पहनी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार मारे गए लोगों और घायल लोगों में सैन्यकर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने शनिवार की सुबह 9 बजे परेड के पास एक पार्क में गोली चलाई। गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली। हमले के बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। रूहानी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि इस छोटे से खतरे पर ईरान का जवाब कड़ा होगा। जिन लोगों ने आतंकवादियों को सहयोग दिया उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जारिफ ने एक ट्वीट में कहा है कि इराकी सीमा के पास यह हमला विदेशी सरकार द्वारा भर्ती प्रशिक्षित किए गए और हथियारों से लैस आतंकवादियों ने किया।